हेलो डियर माय ऑल नर्सेस, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आज हमारे साथ और एक सक्सेसफुल स्टोरी है, एक नर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, और बहुत ही हार्ड वर्किंग है और इसलिए हमने सक्सेसफुली चीज़ें की है और उनका नर्स जॉब वीज़ा लग गया है एंड ऑलरेडी फ्लाइट टिकट सब कुछ हो गया है। शी इज़ ट्रैवलिंग मे बी फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर आई थिंक, तो जर्मनी जा रही है। तो आज हम रूपाली से, फ्रॉम महाराष्ट्र, रूपाली से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सा जर्नी था हमारे साथ। तो रूपाली जी, पहले तो आप अपना थोड़ा, अपने बारे में थोड़ा बताएं और इंट्रोडक्शन दें और फिर हम दूसरी बात करेंगे। हेलो, मैं रूपाली हूँ। मुंबई से 22 इयर्स नर्सिंग एक्सपीरियंस है मेरा। जॉब एक्सपीरियंस मैंने जीएनएम किया है फ्रॉम जेजे स्कूल ऑफ नर्सिंग, और 22 इयर्स के लिए मैं नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनरल हॉस्पिटल के लिए काम कर रही किया है। और फिर रिसेंटली 2 साल पहले मैंने फेसबुक पे आपका एड देखा और जस्ट विथ इंटरेस्ट मैंने एक कॉल किया कि क्या प्रोसीजर है, कैसा है। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने उसके बाद इमिजिएटली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये करना है। एक्चुअली इतना साल गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब होने के बाद भी मैंने ये डिसीजन लिया है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और ये सारे जर्नी में वेरी केयर इंस्टीट्यूट ने बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है, तो रूपाली जी, अभी आपका तो वीज़ा ऑलरेडी लग गया है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप हमसे जुड़े थे, तो वहाँ से लेके अभी तक आपका जर्नी कैसा रहा वेलकेयर ओवरसीज के साथ? आपका एड तो सर मैंने फेसबुक पे ही देखा था, तो स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी एक इंटरेस्ट से मैंने कॉल किया था कि चलो कॉल करके देखते हैं कैसा है। लेकिन वो कॉल होने के बाद जो सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मिला और सब प्रोसीजर के बारे में पता चला, तो उसके बाद मैंने बिल्कुल ही कुछ सोचा नहीं। तो मैंने इमिडिएटली डिसाइड कर लिया कि मुझे ये ज्वाइन करना है और मुझे ये करना ही है। तो इमिडिएटली मैंने आपके पास रजिस्ट्रेशन जो कुछ प्रोसीजर है करवा के इमिडिएट मैंने प्रोसीजर स्टार्ट करवा दिया हूँ। ओके, तो आप क्या बोलना चाहोगे जर्मन लैंग्वेज के बारे में? बिकॉज दिस इज द चैलेंज, करेक्ट? तो जर्मन यस लैंग्वेज, यस तो जर्मनी आपको जाना है तो जर्मन लैंग्वेज आना ही चाहिए। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज के बारे में बोलना चाहोगे तो क्या ये डिफिकल्ट लगता है आपको, या क्या आप मैसेज देना चाहते हो इसके लिए, जो भी एक्चुअली आपके सर ऐसे मैसेज देखेंगे है या जो तो स्टूडेंट? टू लर्न जर्मन लैंग्वेज इज अ बिग हर्डल। वो यही बड़ा हर्डल है। एक बार आप ये क्रॉस कर लेते हो तो कोई ये नहीं, लेकिन जैसे आप एक बार लैंग्वेज लर्न करना शुरू हो जाते हो, स्टार्टिंग में आपको लगता है कि नहीं डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक लेवल क्रॉस करते हो तो वो इजी होते जाता है सर। बट इम्पॉसिबल नहीं है सर, जो मेहनत करेगा वो जरूर कर सकता है ये। तो आप तो मतलब 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 42-43 एज है, करेक्ट आपका? यस ये यस एज में आपने ये चीज़ें आप कर दिखा रहे हो और आप में वो एनर्जी है। मतलब तो मैं जो 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 नर्सिंग के स्टूडेंट है जो आपको देखेंगे इस वीडियो में, तो मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, मान लो कि आप बहुत ही यंग हो, 21-22 साल के ग्रेजुएट हो, और अगर आप पोस्ट BSc हो, तो आप मैडम से, रूपाली मैडम से मोटिवेशन ले। और अगर आप अपने करियर को एक जगह स्टेगनेंट देखना चाहते हैं अपने करियर में, अगर ओवरसीज में अगर आप सोच रहे हो, तो जर्मनी बहुत ही बेस्ट डेस्टिनेशन निकल के आता है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं जो रूपाली जी ने, जैसे हम बात कर रहे हैं, इन्होंने इनको वो चीज़ें आपको मोटिवेट्स की, इसीलिए आपने ये डिसीजन लिया कि इतना बड़ा डिसीजन लेना उतना आसान नहीं है, लाइफ चेंजिंग का, तो आपने लिया और आपने मेहनत भी की और आपने बहुत ही मतलब सही तरीके से लैंग्वेज भी पास कर लिया। तो जो भी जो नर्सिंग जो नर्सेज है जो वॉच करेंगे आपको शायद, तो उनको आपसे मोटिवेशन मिलेगा कि इतनी एज में भी, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपने वो डेडिकेशन और अपने गोल को छोड़ा नहीं आपने, और वो ही मतलब इम्पोर्टेंट रहता है अपनी लाइफ में, कि अगर अपन को कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, अपने को लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो हमें कुछ यूनिक करना होगा। नॉर्मल तो सब चीज़ करते हैं, यहाँ तो आप काम कर रहे हो यस तो करते ही रहोगे, किसने मना कर दिया, लेकिन कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर अपनी लाइफ में हमेशा लेना चाहिए, तभी आपको, भले आप वहाँ 5 साल काम करो, 10 साल काम करो, ताकि और भी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है और आप अपने करियर को ग्रोथ में लेके जा सकते हो।
डेफिनेटली। तो अभी तो आपका वीजा लग गया, तो आप अपना वीजा कॉपी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो जो नर्सेज आपको देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई हाँ सच में ही रूपाली जा रही है, नहीं तो ऐसे ही सर बात कर रहे हैं क्या। हाँ, तो आप देख सकते हो कि रूपाली जी का वीजा भी आप स्क्रीन पे, और उनका सक्सेसफुली वीजा भी लग गया है, और वीजा भी मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिला है, करेक्ट ऑन टाइम आपका ट्रैवल के बाद आपको वीजा भी मिल गया है, मतलब डिले नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग प्री अप्रूवल लेते हैं ना, इसलिए वीजा स्विच शॉर्ट आता है। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप जो अपकमिंग जो नर्सेज है, जो आपकी जूनियर हो या जो फ्रेश ग्रेजुएट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनका सपना है ओवरसीज में काम करने का, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे और क्या आप बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं रेकमेंड करना चाहूंगी कि अगर उनको ओवरसीज जाना है, करियर ग्रोथ करना है, तो वो बिना कुछ सोचे वेलकेयर के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूट है और सारा बहुत सिस्टमेटिक है हर चीज का, कहीं कुछ फेक नहीं है, बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्थी है। क्योंकि सर मेरा खुद का, अगर ये आप, आप अपने दिल से बोल रहे हो, यस यस सर, बहुत ट्रू दिल से वर्ड्स बोल बोल रही रहे हो हूँ। ना? हाँ क्योंकि सर मेरा, मैं गवर्नमेंट में एज अ परमानेंट स्टाफ सिंस 22 ईयर्स काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा खासा सैलरी है यहाँ पे। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट काफी अच्छा सैलरी देता है, तो राइट नाउ सर मेरा सैलरी ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख सैलरी मुझे पर मंथ यहाँ पे मिलता है, विद ऑल फैसिलिटी, वैकेशंस और सीक लीव वगैरह सब मिलता है। लेकिन करेक्ट, ये सब होने के बावजूद भी मैंने ये डिसीजन किया, अभी पढ़ाई किया, तो ये सारा आपका इंस्टीट्यूट बहुत ट्रस्टवर्थी था, इसके लिए मैं ये सब कर पाई सर। हर टाइम पे जो आपका गाइडेंस और सपोर्ट था, ये सब चीजों की वजह से मैं ये सब कर पाई हूँ। तो मैं सबको ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें कुछ करना है आगे, करियर में ग्रोथ करना है, ओवरसीज जाके जॉब करने का ड्रीम है, तो बिल्कुल वेलकेयर के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और पक्का उनको सक्सेस मिलेगा सर। कोई कहीं भी आपको मतलब हमारे प्रोसेस में, मैं आपको मतलब दिल से पूछना चाहता हूँ, कहीं भी आपको ऐसा एक सेकंड भी लगा कि मेरा कुछ भी नहीं होगा या मेरा चीजें गलत हो रहा है, कहीं आपको लगा आज नहीं सर, जब से आप जुड़े कभी नहीं हैं लगा। हाँ, अपने? और जब भी कुछ डिले होता था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो सर आप पहले ही आइडिया दे देते थे कि बाबा वहां से थोड़ा डिले होगा, वो लोग का काम थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है, वो सब देख के, सब चेक करके ही हम लोग को रिप्लाई करते हैं। तो कभी डिले भी हुआ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि क्यों डिले हो रहा है वगैरह क्यों। लेकिन जो जो टाइम आप बताते कि ये टाइम तक आपका रिप्लाई आ जाएगा, तो वो टाइम तक तो पक्का सा रिप्लाई आ ही जाता था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ये आप जो बोल रहे हो, और मैं तो मतलब ये चाहता हूँ कि आप यहाँ इंडिया में भी नहीं, आप वहाँ भी जाओ, और हम तो हमेशा हमारे स्टूडेंट के साथ हमेशा ही रहते हैं, कभी हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जहाँ भी तकलीफ आती है तो हम खड़े रहते हैं, तो ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट भूल जाते हैं हमको। क्योंकि अगर आपको तकलीफ है तो आप कॉल करेंगे हमें, ये कोई मुझे बराबर कॉल भी नहीं करता, बस जब जाते हैं नए नए तो एक दो बार मैसेज कर देते हैं कि सर सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद भूल जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, बट जब कुछ तकलीफ होती है तब वो बार बार फोन करते हैं। तो ऐसा मतलब मुझे ऐसा ये टेंशन ही नहीं है, सच बताऊं मैं आपको, कि कभी मुझे कोई कॉल ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जब आपको तकलीफ नहीं प्रॉब्लम हो होती है रही तब आप कॉल करते हैं, तो इसीलिए फ्री रहते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो किसी को सच में दिल से याद आ जाती है सर की, तो फिर वो मैसेज करते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ है जो करते रहते हैं मैसेज कि सर कैसे हो, क्या चल रहा है सब, तो ऐसे ऐसे कुछ है, कुछ कुछ भूल जाते हैं। सर। मेरा तो, मैं मुंबई में थी, आपका इंस्टीट्यूट बैंगलोर में था, हम लोग का ज्यादातर कांटेक्ट ऑनलाइन ही हुआ है। शायद सिर्फ 2 ही बार सर हम लोग पर्सनली मिले हैं, हाँ एक बार लेकिन आप उतने आए थे इसमें भी। एकदम। हाँ, तो मुझे कभी नहीं लगा कि अरे ये सब ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है तो ये बराबर होगा क्या, कुछ गलत नहीं हो, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा सर। कुछ लोग क्या ऑनलाइन करते भी प्रोसीजर हैं, था, लेकिन बहुत क्लियर प्रोसीजर था सारा। कुछ लोग क्या करते हैं, आपके एग्रीमेंट बना लेंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेंगे, फिर आप वहां से छोड़ोगे तो पैसा पूछेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सुन रहे हैं अभी। हाँ सर, होते कल एक होते ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम। एक नर्स आई जिसका कहीं पे, मैं एक्स वाई जेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिए, अब बच्चा वो वहां से करना नहीं चाहता, 3 लाख रुपए उससे,
3 लाख दो, डॉक्यूमेंट देंगे हम। तो ये सिचुएशन भी मतलब इस तरह से है, तो हम तो होता कभी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल रखते ही नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव राइट्स टू कीप ओरिजिनल ऑफ एनी। यस सर, यस अगर हम सर, आपसे हाँ रिटर्न में भी ले ले, फिर भी हम नहीं रख सकते एज, हाँ ऐसे चीजें भी हो रही है, तो वो सब चीजें हम करते ही नहीं है। और दूसरी साइड है कि मतलब अगर आपका भला होगा तो और 4 आपको देख के लोग, उनका भी भला होगा, है ना। सर, और बार बार पूछते हैं ना लोग कि आपने कहाँ से प्रोसीजर किया है, हम लोग को भी कांटेक्ट दे दो। जब सब हाँ हो गया प्रोसीजर तो लोगों को भी लगता है ना कि नहीं ये अच्छी इंस्टीट्यूट है, तो लोग कांटेक्ट मांगते हैं सर हमसे भी। वही वही ठीक है। तो फाइनली आप हमारे वेलकेयर के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप मराठी में एक मैसेज दे दीजिए, शॉर्ट्स में हम बना देंगे मराठी में, वो क्या कहेंगे फाइनली मराठी मी सगळ्या मराठी मध्ये नर्सेस ना सांगा। सांगू, हो सकते सर, मला पण मी सगळ्या मराठी मराठी, येते। अच्छा मी सगळ्या मराठी नर्सेस ना सांगू इच्छिते की ते लोक जास्त विचार करत नाहीत आउट ऑफ कंट्रीज जायचा। जसं साऊथच्या नर्सेस जास्त, म्हणजे त्यांचा फोकस असतो की त्यांना आउट ऑफ कंट्रीज जायचं असतं, पण मराठी नर्सेस जास्त विचार करत नाहीत। ते गव्हर्नमेंट जॉब या प्रायव्हेट सेक्टर मधला चांगला जॉब मध्ये ते लोक खुश असतात, सॅलरी पण ठीकठाक असते। पण जर खरंच तुम्हाला तुमच्या करिअरला ग्रोथ करायचंय तर तुम्ही खूप ओव्हरसीज मध्ये खूप तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी आहेत, खूप डिमांड आहे तुमच्या प्रोफेशनला, आता संधी आहे, त्या संधीचा फायदा घ्या, चांगल्या इन्स्टिट्यूटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जा आणि थोडं मेहनत करा, तर नक्कीच तुम्हाला चांगल्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत बाहेर। आणि ओव्हरसीज सारखी चांगली इन्स्टिट्यूट असेल तर डोळे झाकून त्याच्यावर विश्वास ठेवा आणि बिंदास प्रोसिजर करा। ओके ओके बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और मतलब आज कुछ हम देखिए अच्छा करते तभी हम आपसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते कभी फेस टू फेस। तो आप तो हमारे जो चैनल भी देखे होंगे तो हजारों स्टूडेंट हैं जो, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं है, जो है हम बोल के लेते हैं। अगर हमारा कुछ चार्जेस भी है तो हम बोल के लेंगे कि भाई इतना है और ऐसा है वैसा है, हम कोई हाँ गाइडेंस ओके सिग्नल सर, है हम काम हाँ ही नहीं रखते उस चीज में, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है नहीं तो सर, डे वन से मुझे भी कभी नहीं लगा कि आपने कोई एक्स्ट्रा मेरे से कोई चार्जेस लिए हैं या कुछ। जो एक लीगल है, जो वैलिड है, वही चार्जेस, जब जैसे हो गया डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन का चार्जेस है वो तो पे करना ही है, लैंग्वेज सीखना है वो चार्जेस, तो मुझे कभी नहीं लगा कि कोई आपने अननेसेसरी अमाउंट का मुझसे डिमांड किया है करके। हाँ वो तो हमने किया ही नहीं, जो आपने अपने कमिटमेंट दिया था हमने उसी पे हम स्टिक, भले वो पैटर्न चेंज भी हो जाए और आप हमसे जुड़े हो तब भी हम उसी पे कांस्टेंट रहते हैं, तो वो तो हम फॉलो करते हैं, हमारे एथिक्स को हम भूलते नहीं है। और मेरा यही मोटिव रहता है कि हमको भी पता है, मुझे खुद को पता है बीइंग ए डॉक्टर, कि नर्सेज की सैलरी उतनी अच्छी नहीं, आपके महाराष्ट्र में चलो अच्छी होगी बट हमारे महाराष्ट्र में अच्छे उतनी अच्छी नहीं है, तो वो उतना पैसा अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो हम उनको बर्डन नहीं दे सकते, है ना। तो हम वो सोर्स निकाल के लाते हैं कि जहाँ हम वहाँ से कुछ करके इनसे कम पैसा लेके सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ताकि मतलब वो कोई भी जैसे जिसका बजट भी नहीं है वो भी जा सके मेहनत करके, हाँ 1-2 महीने में सर अपना पूरा रिवर्स हो जाए उसका, ऐसा हम लोग मतलब सोचते हैं। और उसी वजह से हम काम कर रहे हैं और अच्छी दिशा में जा रहे हैं, और भगवान करे कि आप जैसे और भी हजारों नर्सेज वहाँ जाए और इंडिया का नाम भी रोशन करे और हमारा नाम भी रोशन करे। आप जाओगे तो हमारे इंडिया देश का भी नाम होगा और आपका भी यस नाम होगा और सर हमारा भी नाम होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है, ओके, चलिए ठीक, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।